अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे हमारे गांव में बनने वाली दही वाली मिर्ची, जो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही शौक से इसे खाया जाता है और बहुत ही आसान है बनाना। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले देखिए, मैंने 1.5 किलो मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल करी हूँ, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अभी सबसे पहले हम इसके डंठल पूरे निकाल के ले लेंगे एक एक करके। इस तरह से सारे हम डंठल हम इसे निकाल के ले लेना है। ये वाली मिर्ची जो है ना, बिल्कुल भी तीखी नहीं रहती है। अगर आप चाहे तो तीखी वाली मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमारे गांव में इस तरह की मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए, बीच में से इस तरह से हम इसे कट लगा के ले लेंगे। पूरा हमें कट नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमें इसे बचा के रखना है। तो देखिए, इतना मैंने इसे कट लगा के ले ली हूँ, पूरी हमें कट नहीं करना है। इसी तरह से सारी हरी मिर्च को हम कट करके ले लेंगे। इसी तरह से हम देखिए कट करके ले लेना है हमें। तो माशाल्लाह हमने सारे मिर्चियों को कट करके ले लिए हैं। अभी हम इसे साइड में रख देंगे, तब तक हम इसके आगे की प्रोसेस कर लेंगे पूरी। गांव में जो है खलबत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैं खलबत्ते का ही इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। फिर इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच भर के बड़ी शिप डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरा। 2 चम्मच भर के अक्खे खड़े धनिया डाल देंगे इसमें भी हम। फिर इसमें अभी डाल देंगे हम 5 से 6 मैंने देखिए काली मिरी का इस्तेमाल करी हूँ, ये इसमें डाल देना है। और खलबत्ते में हम इसे कूट के ले लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे मिक्सर के जार में भी इसे दर दरा सा पीस के ले सकते हैं, पर माशाल्लाह जो हम खलबत्ते में कूट के जो बनाते हैं ना, तो कुछ अलग ही टेस्ट रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा करके इसे खलबत्ते में ही बनाती हूँ। और गाँव में भी जो है ना, मैं इसी तरह से इसे खलबत्ते में ही बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से जब हम इसे दर दरे से कूट के बनाते हैं। तो इसी तरह से देखिए हमें कूट के ले लेना है। तो माशाल्लाह देखिए, हमने इस तरह से देखिए मैंने इसे एकदम इसका दरदरा सा इसे कूट के ले ली हूँ। अभी हम इसकी आगे की प्रोसेस कर लेंगे पूरी। अभी यहाँ पे एक पैन ले लेना है हमें। पैन में अभी डाल देंगे हम तेल। तेल जो है इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल देना है। तेल का थोड़ा सा इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे इसमें। फिर इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें डाल देंगे मेथी दाने। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम कलौंजी, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। फिर इसमें हमें डाल देना है 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे राई, यानी 1/2 टीस्पून इसमें मैंने राई का इस्तेमाल करी हूँ। और अच्छे से इसे तेल में फ्राई करके ले लेंगे। जब अच्छे से नॉर्मल से तड़कने लग जाएंगे, तब हम इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे। फिर जो हमने मिर्ची को कट करके लिए थे, वो इसमें डाल देना है। और अच्छे से भी हम इसे तेल में फ्राई करके ले लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे तेल में फ्राई करके ले लेंगे। जब मिर्ची को हम इस तरह से तेल में फ्राई करते हैं ना, तो माशाल्लाह मिर्ची का टेस्ट है ना और बढ़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा हम इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए इसे फास्ट गैस पे इसे फ्राई करके ले लेंगे। जब 1 मिनट हो जाएंगे, तब हम इसमें नमक ऐड करके ले लेंगे 1/2 चम्मच। मैंने 1/2 किलो मिर्ची में 1/2 चम्मच इसमें नमक डाली हूँ, फिर भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं है मिर्ची करके मैं लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। 2 चुटकी भर इसमें डाल देंगे चाट मसाला। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसमें टेस्ट आता है चाट मसाले से। फिर इसमें डाल देंगे जो हमने खलबत्ते में जो दरदरे से इसे मसाले कूट के लिए थे, वो मसाले इसमें डाल देंगे। और अच्छे से ये सब मिला के ले लेंगे हम। इसे भी हम इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह से इसे अल्टी पल्टी करके इसमें मिला के ले लेंगे, अच्छे से ये मिर्ची में मसाले लग जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच इसमें दही ले ली हूँ मैंने। दही जो है अच्छे से फेंट के इसमें डाल देना है। और अच्छे से भी हम इसे भी मिला के ले लेंगे। अगर आप चाहे तो थोड़ा दही की क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से मिला के ले लेना है, ताकि ये थोड़ी सी दही का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। फिर हम इसे ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमने मिर्ची इसमें ऐड किए हैं वो सॉफ्ट हो जाए। इसलिए थोड़ा सा हम इसे 2 मिनट के लिए इसे भाप में पकने देंगे। तो माशाल्लाह देखिए, हमारी बन चुकी है दही वाली मिर्ची, जो हमारे गांव में इसे बहुत पसंद से खाया जाता है, बहुत ही पसंद किया जाता है। अगर आप चाहे तो इसे फीके दाल चावल के साथ में भी खा सकते हैं।
रोटी के साथ में भी खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ में भी खा सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और ये ज़रूर ट्राई करना।